गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको ये वर्ड जो सम थे, ठीक है, कुछ वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे सब्ट्रैक्शन के, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 23 × 14, तो 3 में से 4 कट नहीं हो सकता है, हमने बोरो लिया है। ओके, नाउ 13 − 4 = 9 एंड 1 − 1 = 0। L 91 − 55, 1 में से 5 कट नहीं हो सकता है, हमने बोरो लिया 9 के पास से और 9 के ऊपर हमने 8 रख दिया है। नाउ 11 − 5 = 6 एंड 8 − 5 = 3। 65 − 6, 6 में 5 जो है उसमें से 6 कट नहीं हो सकता है, हमने जो बाजू में 6 है उसके पास से बोरो लिया है। नाउ 15 − 6 = 9 एंड 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 5। 83 − 67, 3 में से 7 कट नहीं हो सकता है, हमने 8 के पास से बोरो लिया है। नाउ 13 − 7 = 6 एंड 7 − 6 = 1। 28 − 19, नाउ 18 − 9 = 9 एंड 1 − 1 = 0। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3D। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 पर है। स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन। सबसे पहले तो हमें जो सब्ट्रैक्शन है उसको सॉल्व करना है और उसके बाद वो सब्ट्रैक्शन हमारा सही है कि नहीं है उसको एडिशन की मेथड से हमें चेक करना है। तो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 91 − 50 करेंगे तो 1 − 0 = 1 एंड 9 − 5 = 4। अब यहाँ पर हमारे पास जो 41 है तो वो बाजू में जो बॉक्स खाली है उसके ऊपर वहाँ पर लिखना है और जो 50 नंबर है वो एज इट इज हम रहने देंगे, ठीक है। जो 41 नंबर है वो हम ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे, प्लस 50 करेंगे। अब 41 प्लस 50 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 91 आएगा, ठीक है। तो 91 जो है वो पहला हमने जो सॉल्व किया सब्ट्रैक्शन का सम उसके ऊपर वाली डिजिट है, तो अगर वो ऊपर वाली डिजिट हमें मिलती है तो वो ये हमारा जो सम है वो राइट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 76 − 34, 6 − 4 = 2 एंड 7 − 3 = 4। अब ये जो 42 है ना, वो सेकंड नंबर का बॉक्स है उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे, जो −34 है वो हम +34 कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसका आंसर हम देखते हैं, अब इसका जो आंसर आएगा वो पहला वाला जो सम है बी का, ठीक है, जो माइनस किया है 76, अगर वो आता है तो हमारा ये जो माइनस किया है वो सम राइट होगा। जैसे कि 2 + 4 = 6 एंड 4 + 3 = 7, 76 आया, तो ये 42 हमारा जो आंसर है वो सही है। एक और एग्जांपल, 65 − 37, 5 में से 7 कट नहीं हो सकता है तो हमने बोरो लिया है 6 के पास से। नाउ 15 − 7 = 8 एंड 5 − 3 = 2। अब ये जो 28 आंसर है वो हम बाजू में जो खाली बॉक्स है उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे और जो −37 है वो क्या करेंगे, हम +37 करेंगे। समझ में आया। अब 8 + 7 कितना होता है, 15, कैरी 1, 1 + 2 = 3 एंड 3 + 3 = 6। 65 था उसका आंसर, है ना, जो सबसे पहले बॉक्स में है 65 है और उसके नीचे 37 किया है माइनस। अब 60 − 26, अब इसका जो माइनस करेंगे उसमें जो आंसर आएगा उसको +26 करेंगे ना, तो आंसर हमें 60 मिलना चाहिए, तो हमारा ये आंसर है वो सही जाएगा सब्ट्रैक्शन का। 0 − 6 नहीं हो सकता है, हमने बोरो लिया। नाउ 10 − 6 = 4 एंड 5 − 2 = 3। अब ये जो 34 है वो +26 करेंगे तो उसका आंसर हमें 60 मिलना चाहिए, तो 10 − 6 = 4 एंड 5 − 2 = 3। अब 34 है हम ऊपर लेंगे और −26 है उसकी जगह हम क्या करेंगे, +26 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60। 4 + 6 = 10, 0 और 1 कैरी जाएगी, 1 + 3 = 4 एंड +2 = 6। उसी तरह से 40 − 18 है तो 0 में से 8 कट नहीं हो सकता है, तो हमने बोरो लिया 4 के पास से और वहाँ पर 1 लगा दिया और आगे 0 है तो मतलब 10, और 4 के ऊपर 3 लगा देंगे। नाउ 10 − 8 = 2 एंड 3 − 1 = 2। नाउ
18 है वो एज इट इज रहेगा, उसको प्लस करना है हमें माइनस की जगह, और 22 है वो कहाँ जाएगा अप। अब इन दोनों का जो प्लस करेंगे हम उसका आंसर 40 आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो 40 माइनस 18 है, ठीक है, तो 40 ऊपर है ना, तो वो हमारा आंसर मिलना चाहिए। तो हमने 40 माइनस 18 किया है और इसका आंसर जो 22 है वो सही होगा। 2 माइनस 8 इज इक्वल 10, 1 कैरी ओवर ऑन 2। नाउ 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 1 4। 67 माइनस 29, 7 माइनस 9 नहीं हो सकता है, हमने बोरो लिया। नाउ 17 माइनस 9 8 एंड 5 माइनस 2 3। अब 38 अप लगाएंगे प्लस 29 करेंगे, 8 प्लस 9 17 कैरी 1, 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 2 6। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जो वर्क है वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है पेज नंबर 54 पर। थैंक यू।